नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे टेक न्यूज के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक फैक्ट जरूर बताना चाहूंगा। तो गाइज, ये डिवाइस जो है बहुत ही ज्यादा इनक्रेडिबल है, क्योंकि गाइज ये जो डिवाइस टाइम दिखा रहा है, आप जो परछाई देख रहे हैं वो मतलब सनराइज पड़ती है, और उनकी उसकी जो डिवाइस की जो शेडो है वो टाइम चेंज करती रहती है। आप ऊपर का पैटर्न देखिए ना गाइज, बिल्कुल ही है। तो इस डिवाइस का जो नाम है वो भी उसी हिसाब से, सनलाइट क्लॉक, जो कि गाइज मतलब धूप की घड़ी। तो धूप इस पे पड़ती है, जैसे जैसे सन डायरेक्शन बदलता है उस हिसाब से इसका जो पैटर्न है टाइमिंग का वो भी बदलता रहता है, और एक्चुअल टाइमिंग दिखाता है गाइस। मतलब इसे पहले फर्स्ट टाइम में सेट करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन गाइस जैसे ही सनराइज होगा तो उस हिसाब से टाइमिंग, जो कि बहुत ही ज्यादा अच्छा डिवाइस है, इसलिए गाइस लेके आया था। तो गाइस टेक न्यूज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो न्यूज आ रही है वो आ रही है सैमसंग गैलेक्सी M21, जो कि कहीं ना कहीं बात करूं रेडमी नोट 10T को टक्कर देने के लिए बिल्कुल आगे हो गया है, और उसी प्राइस सेगमेंट में लेके आया। जैसे कि बात करें इसमें क्या क्या आपको खास मिल जाता है, 6.5 इंच की फुल HD डिस्प्ले मिल जाती है, प्लस एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है। और बात करें एक्सिनोस 9611 इसका प्रोसेसर मिल जाता है। बात करें ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है आपको, पीछे जो फर्स्ट कैमरा दिया गया है मतलब मेन जो कैमरा है वो 48 मेगापिक्सल का है, और जो सेल्फी कैमरा है इसका 20 मेगापिक्सल का, 6000 mAh की बैटरी। अब आती है गाइस प्राइस सेगमेंट क्या होगा इसका। तो दोस्तों मैं बता दूं, 4 GB रैम के साथ 64 GB का वेरिएंट लेते तो आपको मात्र 12,499 रुपए देने, और बात करें 6 GB रैम के साथ 128 GB तो मात्र 14,499 रुपए। तो गाइस कहीं ना कहीं फुल्ली टक्कर दे दी है रेडमी 10T को, जो कि कहीं ना कहीं एक अच्छा बैकअप के लिए सैमसंग की तरफ से अच्छा ऑप्शन है। और दोस्तों बात करें एप्पल के AirPods 3 के बारे में, जो कि मास प्रोडक्शन के लिए कह दिया, और अगस्त में ये जो पिक रिलीज हुई है तो कहीं ना कहीं गाइस जो मतलब जो बैक लुक है ना, मतलब एयर टाइट को जो बैक लुक था एप्पल पोर्ट्स का, उसी के ऊपर आया है। मगर इसमें एयर टाइट मुझे नहीं दिखाई दे रहा, शायद इसमें दोनों ऑप्शन हो। तो अभी ऑफिशियली बात करें तो कोई न्यूज नहीं है, लेकिन एक पिक्चर लीक हुई है उसके ऊपर कह सकते हैं कि अगस्त में उस पर साफ लिखा हुआ है कि मास प्रोडक्शन चल रही है और अगस्त में लॉन्च करने का। और कहीं ना कहीं जो किक दी जा रही है वो दी जा रही है iPhone 13 को, जो कि 13 भी आपको जल्द ही देखने के लिए मिलता है। तो गाइज वो तो आने वाला टाइम ही बताएगा। तो गाइस एप्पल के आने वाले आईपैड जो है मिनी, उसमें अब फाइनली कंफर्म कर दिया है कि A51 आपको बायोनिक प्रोसेसर चिप मिलेगी। बट गाइस कहीं ना कहीं एप्पल भी एग्री है कि USB-C टाइप जो है वो बहुत ज्यादा कॉमन होना चाहिए हर किसी, क्योंकि आप जो उसकी एप्पल की पोर्ट है उसमें परेशानी यह है कि आप डायरेक्टली उसकी पेन ड्राइव निकाल के डेस्कटॉप या लैपटॉप या मतलब अनदर डिवाइस में नहीं लगा सकते, एप्पल के अपने पर्सनल डिवाइस में भी नहीं लगा सकते, क्योंकि गाइस वहां पे सपोर्ट ही नहीं होता। अब कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज ही अपने सेट से करेगा या पोर्ट से करेगा, तो उन्होंने पोर्ट से ही कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज करके अब सी पोर्ट देने वाले हैं। अब जो आपको एप्पल के आईपैड मिनी मिलेगा उसमें एक तो A15 बायोनिक चिप मिलेगी और सी पोर्ट कनेक्टिविटी मिलेगी। तो गाइस कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा, आप इजीली किसी भी सेटअप से कनेक्ट कर पाएंगे और USB से डेटा ट्रांसफर भी कर पाएंगे। तो गाइस फाइनली फेसबुक ने एक अच्छी न्यूज दे दी है इंस्टाग्राम के लिए और फेसबुक के लिए कि अब आप कोई भी ऐसा सेंसिटिव कंटेंट नहीं अपलोड कर पाएंगे न्यू रूल्स के हिसाब से। और अभी मतलब बात करें इसमें किस तरीके से डिसाइड होगा, तो अभी नया अपडेट आने वाला होगा और जो शॉर्ट का है वो ऑटोमेटिकली के अपडेट हो जाएगा। आपके पास नया वेरिएंट हो या ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट कोई भी सेंसिटिव टॉपिक आता है, वैसे इंस्टाग्राम बहुत ज्यादा एक्टिव है, आप किसी वीडियो पे पर्टिकुलर कंप्लेंट करते हो तो विद इन 2 या 3 hours के अंदर वो उस वीडियो को बैन कर देता है या मतलब अकाउंट तक की सीज कर देता है कुछ कंडीशन में, तो इसलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। और ये रूल आता है तो बहुत ज्यादा और सेंसिटिव हो जाएगी और जो मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स हैं वो भी कहीं ना कहीं सेफ रहेंगे और सेंसिटिव टॉपिकों से बहुत ज्यादा दूर रहेंगे। और गाइस फाइनली अब आपको थिएटर जाने की जरूरत मुझे लगने रहा है कि आने वाले टाइम में 1-2 साल के अंदर सैमसंग छोड़ेगा, क्योंकि उन्होंने निकाला है 1000 इंच का दी वर्ल्ड टीवी, जो कि गाइस उसकी हाइट एंड विड्थ दोनों एडजस्ट की जा सकती है, जो कि पहले ही कॉन्सेप्ट आ गया था आज से 1.5-2 साल पहले ही लॉन्च कर देता, बट यह था कि ऑफिशियली लॉन्च नहीं किया था, कंपनी के इंटरनली फंक्शनलिटी में यूज होता था। अब गाइस फाइनली उस डिस्प्ले को मार्केट में भी लॉन्च करने की बिल्कुल तैयारी बना ली है, जो कि 1000 का मतलब आप पिक देख रहे होंगे तो लंबी सी बॉल देख रही होगी, लेकिन गाइस इसे अपडेट करके पूरी स्क्रीन पूरा पीछे आने वाले फ्यूचर टाइम में गाइस मतलब मैं मानता हूँ कि इस टीवी को लगाने लगाने पे मैं पीछे अपने लगवाने की सोच रहा हूँ, विचार बना रहा हूँ। तो गाइस वो कम से कम जो पड़ेगा मुझे 10 से 15 लाख रुपए का सेटअप पड़ेगा, लेकिन गाइस उसके लिए बहुत तो नहीं मतलब चाहिए 2-3 साल, उसके पीछे पक्का जरूर लेके आऊंगा। अच्छा चला था यूट्यूब चैनल। तो गाइस आज की टेक न्यूज यहीं पे खत्म होती है, ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।